हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल की तरफ से लगातार एक न एक अपडेट आती जा रही है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे यूपीपीसीएल की तरफ से एक और रिजल्ट अपडेट किया गया है आज की डेट में। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यानी आपका 18/9/2021 की अपडेट है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट ऑफिसर अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है यूपीपीसीएल की तरफ से, यानी लगातार एक बाय एक अपडेट आती जा रही है। कल आपने देखा होगा 3-4 अपडेट आई थी, आपका एक दो रिजल्ट आए थे और उसके बाद 3 जो अपडेट आई थी वो वैकेंसी को लेकर आई थी, और फाइनली आज जो नई अपडेट आई है वो आपका रिजल्ट को अपडेट को लेकर इसमें आई है। यानी अकाउंटेंट ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। चलिए फिर इसे डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, कभी इनको पहुँचना है, क्या क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये वो नोटिफिकेशन है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड SLDC परिसर निकट मंत्री आवास विभूतिगंज फेज 2 लखनऊ की तरफ से सूचना दी जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लेखा अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या यहाँ पर 2BSA 2020 AO प्रकाशित किया गया था। तदउपरांत 15 मार्च 2021 को संपन्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एवं रेस्पॉन्स की के विरुद्ध अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए 17/8/2021 को साक्षरता हेतु निर्गत शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को अभिलेख की जांच एवं साक्षरता दिनांक 15 एवं 16 सितंबर को संपन्न होने के पश्चात कुल अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूचित अनुक्रम के बढ़ते क्रम में। यानी दोस्तों, ये एक ज्वाइनिंग ही समझो इनकी, इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इन बच्चों का अकाउंटेंट ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसका फाइनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इनकी जो जांच हुई थी 15 और 16 सितंबर को इनकी जांच हुई थी, और इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी इन्होंने फाइनल किया है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 सितंबर और 16 सितंबर को हुआ था, और फाइनल मेरिट आपकी आज आप देख सकते हैं 18 तारीख है, और 18 तारीख को इनकी फाइनल मेरिट आ गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है। आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइनल कट ऑफ जो गई है आपकी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अनरिजर्व की बात करें तो 167.75 गई है, EWS की 147 गई है, और OBC की जो गई है 152 गई है। यानी लगभग जो डिफरेंस है OBC की कट ऑफ में और जो आपकी जनरल की कट ऑफ में, लगभग 15 नंबर का यहाँ पर आप कट ऑफ अंतर दिखाई दे सकता है। और बात करें EWS में जो अंतर है, लगभग 20 नंबर का EWS का अंतर है। SC की बात करें फ्रेंड्स, SC की 94 पर गई है, और ST की जो गई है आपकी कट ऑफ जो गई है 79.75 पर गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं, यानी आपने देखा होगा अभी जो UPPCL TG2 608 वैकेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों होने वाला है वो आपका 20, 21, 22 और 23 को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ी से काम हो रहा है UPPCL के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 23 तारीख को जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त होगा तो आने वाले 4 से 5 दिन में इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। UPPCL 608 की जो वैकेंसी है उनके लिए फाइनल जो रिजल्ट है वो 4 से 5 दिन बाद ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसी तरह से जैसे कि ये AO वाला जो रिजल्ट है, यानी यहाँ पर आपने देखा होगा साफ साफ बताया था इन्होंने 15-16 तारीख को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद बाकी प्रक्रिया इंटरव्यू जो हुआ था उसके बाद ये फाइनल जो कट ऑफ आई है वो आपकी 3 से 4 दिन के बीच में ही ये फाइनल कट ऑफ आ गई है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, जिन बच्चों का वेरिफिकेशन होना है तो 4 से 5 दिन बाद, यानी 23 तारीख से के बाद, यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका अक्टूबर आपका सितंबर के लास्ट में भी आ सकता है, अन्यथा 5 अक्टूबर तक कन्फर्म फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो अल्लाह आता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।